अभी जो अध्यापक सेवा नियमावली के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। एक नई नियमावली तैयार हो रही है जिसके तहत आने वाली शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार राज्य में बड़े स्तर पर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती होना प्रस्तावित है, जिसके संदर्भ में 29 जुलाई 2022 को एक महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुई है पटना से, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षक बहाली के लिए बन रही है नई नियमावली। शिक्षक भर्ती TET STET अंक पर 60%, एकेडमिक को 40% वेटेज। अभी जो बिहार में 6वें चरण की शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है उसमें जो नियम था वो ये था कि आपके हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और साथ ही साथ जो आपका प्रशिक्षण था, इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दिया जाता था, यानी तीनों का औसत निकाल लिया जाता था और आपका BTET या फिर जो CTET होता है उसका अगर आप 55 से 70% के बीच में है तो 2 अंक मिलता था, 70 से 80 के बीच में 4 अंक और 80 से 90 के बीच में 6 अंक और 90 से अधिक होने पर 10 अंक का यहाँ पर वेटेज दिया जाता था। लेकिन अब ये प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल दी गई है। नई अध्यापक सेवा नियमावली में ये बदलाव किया गया है कि अब मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण यानी कि जो आपका एकेडमिक है उनके कुल प्राप्तांकों को जोड़ करके 3 से भाग दिया जाएगा, मतलब कि औसत तो अभी भी निकाला जाएगा, ठीक है, और जितना औसत आएगा उसका 40% निकाला जाएगा। अभी तक ये प्रोसेस नहीं था, अभी तक सिर्फ औसत निकाल करके डायरेक्टली उसको जोड़ा जाता था। लेकिन अब क्या किया जाएगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एकेडमिक का 40% वेटेज है उसी प्रकार से बिहार सरकार ने भी एकेडमिक को 40% वेटेज दे दिया है। लेकिन एकेडमिक में इन्होंने सिर्फ हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और BEd या फिर BTC यानी कि जो आपका प्रशिक्षण रहता है उसको इन्होंने जोड़ा है। इस वजह से क्योंकि बिहार में जो DLED करके प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं वो इंटरमीडिएट के आधार पर ही DLED में एडमिशन लेते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बेस पे DLED में एडमिशन होता है। इस वजह से वहाँ ग्रेजुएशन के मार्क्स को नहीं जोड़ा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, और तीनों को जोड़ करके हाई स्कूल, इंटर और साथ ही साथ BEd BTC के मार्क्स को जोड़ करके 3 से भाग दे दिया जाएगा और जितना भी आएगा प्रतिशत में उसको 40% उसका फिर से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का हाई स्कूल में 80%, इंटरमीडिएट में भी 80% और उसका मान लीजिए DLED में भी 80% रहा तो उसका कितना प्रतिशत बन गया, 240% बना और उसको 3 से भाग देंगे तो फिर 80% उसका औसत हो गया। अब 80 का फिर से 40% निकाल लिया जाएगा, यानी कि 80 का जब आप 40% निकालेंगे तो 32 गुणांक इसका बनेगा। इसके बाद से जो CTET या फिर BTET वो क्वालिफाई होगा अभ्यर्थी उसका 60% जोड़ा जाएगा। 60% कैसे, जैसे उत्तर प्रदेश में 150 अंक का सुपर टेट होता है उसी तरीके से मान लीजिए BTET या फिर CTET के जो 150 में से जितने भी अंक अभ्यर्थी पाए रहेंगे उनका पहले प्रतिशत निकाल लिया जाएगा फिर उसका 60% निकाला जाएगा और इसको फाइनल में जोड़ करके मतलब कि जो आपका एकेडमिक का गुणांक बना था और जो आपका CTET या फिर बिहार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली BTET का 60% जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। देखिए, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की भर्ती से लागू होगा। अभी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होती थी बहाली। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। BTET, CTET और STET के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर DLED और BEd तक 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है, इस पर सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में TET और STET का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था उसे खत्म कर दिया गया है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक जारी कर दी जाएगी। वहीं हाई स्कूल में 75 से 80 हज़ार पदों के लिए रिक्तियां सितंबर या अक्टूबर में आएंगी। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्त मामलों में लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई थी। तो ये पूरी प्रक्रिया है और अगर आप बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो कानूनी प्रक्रिया से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने अध्यापक सेवा नियमावली में बदलाव करके ये मेंशन कर दिया है कि बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी सिर्फ आवेदन कर पाएंगे। हालांकि ये मामले पहले उत्तर प्रदेश में भी थे। 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था, राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया था। उसके बाद से वो सभी अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और माननीय कोर्ट ने
आर्टिकल 15 का पूरी तरीके से उल्लंघन पाया कि किसी भी राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है कि सिर्फ निवास के स्थान पर वो किसी अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दे। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि इसका पूरा ग्राउंड क्या है, कोर्ट में मामले कैसे यूपी से निस्तारित हुए थे और बिहार में क्या परिस्थिति बनेगी, तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।